सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज मुख्यमंत्री बज्जनलाल शर्मा द्वारा 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खाते में सीधी हस्तांतरण की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 88,44,000 लाभार्थियों के खाते में 1,037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की। तो जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर CM बज्जनलाल शर्मा ने कहा कि गरीबों को गणेश माना है। आज पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री बज्जनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों के साथ जुड़े। इसी के तहत अजमेर के जवाहर रंगमंच में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, महापौर और शहर जिला भाजपा अध्यक्ष उपस्थित रहे। जवान और किसानों की पावन भूमि है। झुंझुनू में आकर मैं अपने आप को धन महसूस कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू से आज हमारे उन सभी बुजुर्गों को, हमारे प्रत्येकता बहनों को, विधवाओं को और पेंशनरों को, जो यहाँ से पूरे राजस्थान के 88 लाख लोगों को जो पेंशन करी है पावन भूमि से, क्योंकि ये पावन भूमि या हमारे जवान की और किसान की धरती है। झुंझुनू एक ऐसी धरती है जहाँ सैनिकों का जिस तरह से पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सैनिक किसी जिले में है तो वो जिला झुंझुनू जिला है हमारा। यह समय समय पर हमारे यहाँ के जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ हमारे जो शहर के सबसे ज्यादा शहीद होने वाले भी मातृभूमि को शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर सैनिक है वो झुंझुनू की धरती भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा झुंझुनू जिले से राज्य स्तरीय पेंशन अभिवृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें पूरे राजस्थान के 88 लाख से अधिक पेंशनरों की राशि 1,37,00,000 के लगभग उनके खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इस योजना के तहत अजमेर व्रत जिला, जो कि पूर्व था अजमेर, केकड़ी और ब्यावर तीन जिलों को मिलाकर अजमेर जिले के 2,86,000 पेंशनरों के खाते में 32.70 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। आज कौन कौन थे सर इस कार्यक्रम में और किनके द्वारा की गई? आज के अजमेर जिला मुख्यालय कार्यक्रम में माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, श्रीमान संभागीय महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम एवं द्वितीय एवं महापौर महोदया, जिला अध्यक्ष भाजपा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष योग्यजनों और वे महिलाएं, वे वृद्धजन और वे दिव्यांग जिनको की सामाजिक पेंशन का लाभ मिल रहा है, वे सभी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। हमारे विभाग के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के साथ कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में योगदान दिया, जिससे कि लाभार्थियों के आने में किसी के प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री द्वारा बजट बटन दबाकर की गई उक्त राशि को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने DBT के माध्यम से बटन दबाकर राशि सीधे ही लाभार्थियों खाते में हस्तांतरित की गई है। पूर्व में यह राशि लाभार्थियों खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जाती थी, वो बढ़कर अब 1,150 हो गई है, यानी कि 1,000 पर 15% प्रति वर्ष उनकी बढ़ेगी।
Pizza Point, Kangor. For delicious moments.